कारण इंसान कुछ बड़ा कर देता है ना, तो अपने आप ही वह लोगों के लिए प्रेरणा बन जाता है, क्योंकि उसे देखकर लगता है क्योंकि यार ये तो अपने तरह का बंदा है, और जब ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। दिल्ली का एक मिडिल क्लास का लड़का किराए के एक छोटे से मकान में रहता था। जब बहुत छोटा था तो पड़ोस के एक बच्चे के पास साइकिल देखकर उसका मन मचल गया। पिता से साइकिल दिलाने की कोशिश की तो पिता ने कहा, मैं कोई टाटा बिरला थोड़ी हूँ जो तुम्हारी सारी फरमाइशें पूरी करता रहूँ। मैंने माँ से जाके पूछा कि ये टाटा बिरला क्या होता है, तो माँ ने कहा, ये ऐसे लोग हैं जिनके पास ढेर बहुत सारे पैसे होते हैं। संदीप ने तुरंत ही फैसला कर लिया कि उसे ही टाटा बिरला की तरह बनना है। उसके फैसले पर सभी हंसने लगे और उसका मजाक बनाने लगे। जब संदीप लगभग 15 साल के थे तो उनके परिवार पर एक बड़ी मुसीबत आ गई। उनके पिता का लगभग 20 साल पुराना एल्युमिनियम का बिजनेस था। पार्टनरशिप की वजह से, पार्टनरशिप में हुए झगड़े की वजह से उन्हें वह बिजनेस छोड़ना पड़ा। ये संदीप के परिवार पर एक बड़ा संकट था। बिजनेस छोड़ने के बाद संदीप के पिताजी भी चिंता में रहने लगे थे। अब संदीप को लगा उन्हें भी कुछ करना चाहिए, तो वो छोटे मोटे काम करने लगे। स्टडी पीसीओ चलाया, नहीं चला। कॉल सेंटर में नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया लेकिन कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ। हर तरफ से संदीप को हार का मुंह देखना पड़ रहा था। वो पूरी तरह से टूटते जा रहे थे। उसी बीच वो एक सेमिनार में गए। 3 घंटे में उन्हें वहाँ कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन अंत में वहीं पर जब एक लड़के ने बताया कि उसकी उम्र 21 साल है और वो महीने का 2.5 लाख कमाता है, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जब इसी 21 साल के लड़के लिए के लिए महीने का 2.5 लाख कमाना आसान है, तो उनके लिए क्यों नहीं। और वही संदीप के जीवन का टर्निंग पॉइंट था। संदीप की रुचि मॉडलिंग और फोटोग्राफी में थी। उन्होंने मॉडलिंग के लिए कोर्स किया और मॉडलिंग की दुनिया में आ गए। संदीप ने कॉलेज लेवल में मॉडलिंग शुरू की। जब उन्होंने मॉडल बनने की सोचा तो उन्हें पता चला कि हर दूसरा आदमी मॉडल बनना चाहता है। मॉडल्स का सोशल देखकर उन पर काफ़ी गहरा प्रभाव हुआ और उन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में लड़ रहे आदमियों की मदद करने की ठानी। इसीलिए उन्होंने मैथ्स आरजीओ विजुअल नामक एक कंपनी खोली जो मॉडल्स के पोर्टफोलियो बनाती थी। लेकिन इस कंपनी में भी उन्हें ज़्यादा सफलता नहीं मिली और वो फेल हो गए। उन्होंने हार नहीं मानी और मेहनत करते गए। उन्होंने फोटोग्राफी सीखी और 2003 में और मात्र 10 घंटे में 100 मॉडल के लगभग 10,000 फोटो क्लिक किए और एक विश्व रिकॉर्ड बना डाला। इस रिकॉर्ड से संदीप को काफ़ी पहचान मिली। वर्ष 2008 में उन्होंने अपनी वेबसाइट इमेजेस बाजार लॉन्च की, और लेकिन शुरुआत में कुछ ही इमेजेस थे और थोड़े ही फोटोग्राफर थे, और मगर आज इस वेबसाइट पर विश्व के सबसे ज़्यादा भारतीय चित्र हैं और हर साल यह कंपनी करोड़ों कमाती है। इतनी सफलता पाने के बाद भी संदीप रुके नहीं और उन्होंने अपने जीवन में सफलता हासिल की इतनी, लेकिन उन्होंने रुके नहीं और वो लोगों को प्रोत्साहित करना शुरू कर दिए। आज वे जगह जगह मोटिवेशनल सेमिनार करते हैं और लाखों लोगों को अपने सपने साकार करने की प्रेरणा देते हैं। हैरानी की बात तो ये है कि वे सभी सेमिनार मुफ्त में करते हैं। संदीप का जीवन हमें यह सीख देता है कि भले कितनी मुश्किलें क्यों ना आए, हमें हार नहीं माननी चाहिए। उनका कहना है कि गलतियां इस बात का सबूत है कि आप प्रयास कर रहे हैं। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप